डॉक्टर नवीन पांडे आपका स्वागत है। बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ टिप्स शेयर करेंगे? बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उनकी मेंटल ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बच्चों में एलर्जीज इतनी कॉमन क्यों होती है? अब बहुत कॉमन हो गई है। तो इन सब में बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे हेल्प करता है? न्यू बॉर्न पीरियड से ही वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी बच्चों में, एवरीबॉडी इज ऑन देयर फोन। तो 6 मंथ के बच्चे में अप टू 2 ईयर्स तक तो मैं बोलता हूँ स्क्रीन टाइम जीरो होना चाहिए। बिल्कुल आप विश्वास नहीं मानोगे कि एक बच्चा था 4 ईयर्स का बच्चा था, उसको भाभी जी घर पे हैं कि उसके सारे डायलॉग्स याद थे। तो अभी जैसे मॉनसून आ रहा है तो मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? उनमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बच्चों में किस तरीके से हम ला सकते हैं? मदर को लगता है कि जब उनका बच्चा खा रहा है तो मेरा बच्चा इट्स अ सोशल कंपटीशन। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए रूटीन चेकअप्स कितने होने चाहिए? बेसिकली डेवलपमेंट के 2 डोमेन होते हैं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस और एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए। मिल्क मिक्सिंग है जो बच्चों को दिए जाते हैं, उसमें रिफाइंड शुगर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो रिफाइंड शुगर होता है वो ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत मतलब इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं ब्रेन ग्रोथ के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन पांडे जो एक MD पीडियाट्रिशियन है श्रीएम हॉस्पिटल गोरखपुर से। इनके साथ हम बात करेंगे बच्चों की सेहत और उनके विकास के बारे में, उनकी इम्यूनिटाइजेशन से लेके उनके इमोशनल वेलबीइंग के बारे में हर चीज पे चर्चा होगी। डॉक्टर नवीन पांडे आपका स्वागत है। थैंक। तो बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ टिप्स शेयर करेंगे? बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहला तो न्यूट्रिशन ही होता है, दूसरा वैक्सीनेशन होता है और उनकी मेंटल ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मेंटल ग्रोथ में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इम्यूनिटी जैसे हमें मालूम है कि हम अगर एक प्रॉपर अमाउंट में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स अगर लेते हैं और सारे के सारे जो एक 5 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनको सही तरीके से दिया जाए तो इससे इनका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और यही आपको इम्यूनिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड कराती हैं। और एक इम्यूनिटी का एक सेकेंड फैक्टर होता है कि हम रेगुलरली बच्चों को अगर वैक्सीनेशन करवाएं तो इससे बच्चे और भी ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी में मतलब और ज़्यादा बेटर उनको डिजीजेस से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो आप ये बताइए कि बच्चों में एलर्जीज इतनी कॉमन क्यों होती है और अगर होती है तो उससे कैसे बचा सकते हैं? अब बहुत कॉमन हो गई है। अभी लास्ट 5 to 7 ईयर्स में अगर हम देखें तो बहुत कॉमन हो गई है। इसमें डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हैं, इसमें फूड एलर्जीज भी कॉमन है, इसमें आपका इन्वायरमेंटल एलर्जेंस है उसके लिए कॉमन है। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिस तरह से पोल्यूशंस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और साथ में फूड हैबिट काफ़ी चेंज हो गई है। अब बेसिकली बच्चे बहुत सारा जंक फूड पाम ऑयल से रिलेटेड फूड्स पे और इन सब चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी मंचिंग और इन सब चीज़ों से काफ़ी फूड एलर्जीज अब कॉमन हो गई हैं। साथ में डिफरेंट टाइप की एलर्जीज भी होती हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आपका पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि नॉइस पोल्यूशन भी कल समहाउ आपका न्यूनेटल पीरियड से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोन टू एलर्जीज बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा इस टाइम पे ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो इन सब में बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे हेल्प करता है और कौन से वैक्सीन कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है? न्यू बॉर्न पीरियड से ही वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो इनिशियल फेज में सबसे कॉमन एट बर्थ अगर BCG लगता है, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो, पोलियो के बारे में सब लोग जानते हैं कि कितनी भयावह बीमारी थी जो लास्ट फेज तक, अब हमारा जो कंट्री है पोलियो इराडिकेटेड कंट्री हो गया, पोलियो फ्री कंट्री है लास्ट 4 to 5 ईयर्स से। तो वैक्सीन्स इसलिए एसेंशियल से इसलिए हेल्पफुल हैं कि जिस तरह से अगर हम मैक्सिमम पॉपुलेशन तक उस चीज़ को अगर फैला सकें तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों से हैं उन बीमारियों से शुरू में ही बच सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कुछ तो उनको मदर से ही इम्यूनिटी मिलती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन उसके बाद जब वैक्सीनेशन का रोल आता है तो इसमें जैसे खसरे का टीका हो गया,
गलगोटू बीमारी जिसको डिप्थीरिया बोलते हैं उसका हो गया, टिटनेस हो गया, और पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अब समहाउ इनकी जो इंसिडेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अब जो बच्चे या फिर जो हमें वो मिलते हैं काफ़ी हद तक कम है, जहाँ पहले इन ये जानलेवा बीमारियाँ कहलाई जाती थी तो आज के टाइम पे ये काफ़ी हद तक कम है। तो डीपीटी हो गया, डीपीटी वैक्सीन लगाना ज़रूरत है जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का एक साथ मिल जाता है। आपका MMR हो गया मीजल्स के लिए, BCG का टीका लगना ज़रूरी होता है। हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी के लिए भी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट टीके हैं। इसके साथ में रोटा वायरस और निमोनिया का भी टीका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रोटा वायरस एक तरह से जो बच्चों में डायरिया होता है कॉमनली वायरल डायरिया होता है, तो इसमें रोटा वायरस का अगर वैक्सीनेशन टाइम पे कराया जाए तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोटा वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो इंडिया ने ही डेवलप किया है, एम्स दिल्ली में ही डेवलप हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट है कि ये। और निमोनिया के लिए आपके बहुत सारे आज के टाइम पे ऑप्शंस हैं, निमोनिया का टीका भी लगवाना इम्पोर्टेंट। और जिन डिजीज़ का आपने बताया कि अब कम हो चुकी हैं वैक्सीनेशन की वजह से, अभी स्टिल उनको वैक्सीनेशन लगाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन कंपलसरी है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम वैक्सीनेशन अभी नहीं करते हैं तो ये फ्लेयर अप हो जाती हैं डिजीज़, जैसे हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिला। कोविड के टाइम पे मतलब ये आपका लॉकडाउन पीरियड था, बहुत सारी मदर्स जिनके बेबीज़ हुए वो टाइम पे वैक्सीनेट नहीं करा पाए, या फिर तो उस टाइम पे थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ सच सम डिजीज़ का ज़रूर आया था, जैसे कि इस टाइम पे कुछ दिन पहले मम्स का आया। तो मम्स के लिए टीका है MMR जो मैंने आपको बताया है ना, मिजल्स के साथ ही खसरे के साथ ही लगता है मम्स आपका, ये आपका गल सूजा बोलते हैं, दोनों गले सूज जाते हैं। लेकिन अब जैसे अगर वो वैक्सीन नहीं लगता है तो अचानक ये सारी डिजीज़ जो होती हैं बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करती, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, तो एक साथ में बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो इसलिए टाइम पे ज़रूरी। अब जैसे कोविड के फेज़ में नहीं लग पाया तो उस टाइम पे सर्ज आया था, फिर धीरे करके वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए तो फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो गई। तो स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी बच्चों में, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स, तो स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे बोथ पेरेंट्स और बच्चों को? स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक्चुअली में क्या है कि मैंने देखा है कि आफ्टर 4 या 5 मंथ्स बच्चे स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आदि, लेकिन वो अट्रैक्ट करते हैं, स्क्रीन को अट्रैक्ट करते हैं। जब से उनको विज़न आता है उसके बाद से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हो जाए। तो 6 मंथ के बच्चे में अप टू 2 ईयर्स तक तो मैं बोलता हूँ स्क्रीन टाइम ज़ीरो होना चाहिए बिल्कुल। तो समहाउ ये हमारी डे टू डे लाइफ में ही हो जाता है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बेबी भी उस फ़ोन को देखेगा तो वहीं से उसको दिखता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप घर पे रहो एज ए पेरेंट, हस्बैंड और वाइफ मतलब हस्बैंड और वाइफ मदर फादर दोनों, उनको उस टाइम पे रेगुलरली अगर 6 मंथ का भी बेबी है तो कम से कम फ़ोन को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से उसकी ना जिज्ञासा जागती है कि ये है क्या चीज़, फिर धीरे धीरे करके उस चीज़। स्क्रीन टाइम में इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है तो वो विजुअल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है। विजुअल ऑटिज्म में ये होता है कि बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है समहाउ, और वो सोसाइटी से कटने लगता है, वो उसी चीज़ को अपनी दुनिया बना लेता है जो स्क्रीन में दिख रहे हैं। और ऐसे हमें कई बार देखने को मिलता है, आप विश्वास नहीं मानोगे कि एक बच्चा था 4 ईयर्स का बच्चा था, उसको भाभी जी घर पे हैं कि उसके सारे डायलॉग्स याद थे है ना, और वो मुझसे ऐसे ही बात कर रहा था, मतलब उसकी दुनिया ही वो बन गई थी। तो उसकी मदर मेरे लिए इसलिए आई थी कि इसको ठीक करवा दो, मतलब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये 4 ईयर्स के बच्चे में इतना ज़्यादा होता। तो वो ना उसको अपनी दुनिया बना लेते हैं, और उसके बाद अपने फ्रेंड से, अपने खुद के रिलेटिव से, मान लीजिए उनके कोई अपने रिलेटिव आएंगे तो उनसे भी नहीं बात करना चाहते हैं, तो वो एक ना एक मतलब हाइपर एक्टिव उसमें चले आते हैं। और जैसे ही आप उसको हटाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी आने को आते हैं कि नहीं ये फ़ोन हटाया तो उसने ये कर दिया, ये कर दिया, तो ये सारी चीज़। तो एक WHO की गाइडलाइन है इसके लिए स्क्रीन टाइम को लेकर के,
मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए और अप टू 5 ईयर्स तो इस पर स्ट्रिक्टली वो रखना चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2 साल तक तो ज़ीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 2 साल के बाद अगर स्क्रीन टाइम है तो 1 आवर्स के लिए ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर 5 ईयर्स के बाद में 2 to 3 आवर्स के लिए होना चाहिए, तो इस हिसाब से स्क्रीन टाइम को हमें वो करना चाहिए। एक बड़ा मॉन्स्टर है एक्चुअली नेक्स्ट फ्यूचर का। आई एग्री। तो अभी जैसे मॉनसून आ रहा है, मॉनसून के साथ बहुत सारे फ्लूज और डिजीजेज भी आती है, तो मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, कोई होम रेमेडी है? मॉनसून अभी जो ये सीज़न है मॉनसून में डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होती हैं, उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो वाटर बॉर्न बीमारियाँ होती हैं, उसमें अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप गर्म पानी करके पिए, आपका जो वाटर का जो सोर्स है जिससे आप ड्रिंक कर रहे हैं या बच्चे को पिला रहे हैं तो वो एक शुद्ध होना चाहिए, सिर्फ एक्वा गार्ड से नहीं मतलब होता, आप उसको गर्म भी करिए उसके बाद पीजिए। और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, फूड बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ भी इसमें कॉमन है, जैसे कि आपका डेंगू या मलेरिया हो गया, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि अपने सराउंडिंग्स में कहीं पे पानी ज़्यादा ना ठहरे, अपने कूलर में पानी ना ठहरे, गमलों में पानी ना ठहरे, ये सारी चीज़ों से आप मॉस्किटो की ब्रीडिंग रोक सकते हैं। और अगर हो रहा है तो लास्ट एक उपाय कि केरोसिन डाल सकते हैं पानी में जो रुका हुआ है। यूजली कई बार जैसे आपका बहता हुआ पानी है, जैसे आपकी नाली का पानी है उसमें घर के बाहर वाले, तो उसमें आप केरोसिन डाल सकते हैं, कई बार उससे लार्वा उसके मर जाते हैं, तो ये कॉमन होता है। तो ये तो सेकेंड फेज हो गया। थर्ड फ्लू हो सकता है, वायरल फ्लू कॉमन है, तो इसको भी 2 पार्ट में रख सकते हैं। जो बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए ज़्यादा नहीं करना है, एक्चुअली फ्लू तो बाहर से पेरेंट्स ही ले आएंगे, तो अगर उनको कोई भी सिम्टम्स अगर पेरेंट्स को लगता है कि आपको फीवर विद कफ एंड कोल्ड है, तो कम से कम बच्चे के ऊपर मदर बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना मतलब माउथ को उस टाइम पे ढक करके रखें, वो डायरेक्ट उसके उनके ऊपर स्नीज ना करें, डायरेक्ट कफ ना करें, और थोड़ा सा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको समझाया जाए कि वो अपने पास में रुमाल रखें और एक प्रॉपर एटिकेट जो है वो फॉलो करें, जो हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था, तो उस चीज़ को फॉलो करें, तो इससे फ्लू से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो बच्चों की डाइट में ऐसे कुछ खाने या कुछ फूड आइटम्स है जो इंक्लूड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ताकि वो ओवरऑल उनकी हेल्थ बरकरार रहे ये मानसून सीजन में? नहीं, जनरली। देखिए ये डिफरेंट एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से उसके डाइट को और न्यूट्रिशन को सिस्टमेटिकली किस तरह से प्लान करना है। अप टू 6 मंथ जब तक वो मदर फीड पे होता है बच्चा, तो वो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो उसको सारे के सारे न्यूट्रिशंस ब्रेस्ट फीड से मिल रहे होते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इट्स अ गोल्ड जो एक मदर अपने बेबी को प्रोवाइड करती है, इट्स अ गोल्ड, है ना, इसका कोई और सेकेंड ऑप्शन नहीं होता। लेकिन 6 मंथ के बाद मदर का जो मिल्क होता है उसमें न्यूट्रिशंस की कमी आने लगती है, वो एक जस्ट लाइक वो एक वाटर की तरह चेंज होता है, वाटर की कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होती, तो उस टाइम पे वीनिंग कराते हैं, उस टाइम पे आपको खाने की आदत डलवानी पड़ेगी। तो उसमें सिर्फ 3 या 4 चीज़ें ही देखनी होती हैं कि आप लो सॉल्ट लो शुगर डाइट रखें, उस वो जो डाइट होनी चाहिए वो आपके पेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जो विदाउट मिक्सी आप बनाओ, है ना, जिसमें एक फूड के पार्टिकल्स भी मिले जिससे वो अपने मुंह को चला सके, च्यू अगर मतलब उसके दांत तो नहीं रहेंगे लेकिन वो अपने मुंह से उस चीज़ को नहीं स्वॉलो तो अलग चीज़ हो गई, वो अपने मुंह को चला सके, है ना, तो इस तरह से वो कर सके। और अभी एनिमल मिल्क आप नहीं दे सकते हैं उसको, नहीं दे सकते। हाँ, एनिमल मिल्क आपको 1 ईयर के बाद ही देना चाहिए क्योंकि काउ मिल्क में से एलर्जी कॉमन है इस टाइम पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ का बस ये ध्यान रखना है कि आप इसको रेगुलर अमाउंट में अ गुड अमाउंट और गुड फ्रिक्वेंसी के साथ स्टार्ट करें। सपोज़ करें 6 मंथ में अगर आप एक ही बार दिखा रहे, हमारे वहाँ ऑप्शन देखा जाता है कि अब तो मिल्क पे है, थोड़ा बहुत खिला के देख लेते हैं, बाद में देखा जाए, तो वो बाद वाला जो टाइम है वो निकल जाता है, तो फिर वो खिला नहीं पाते। तो यहाँ पे जो आपकी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, यूजली हम ओट्स से चालू करते हैं, ओट्स इज़ हाई फाइबर डाइट, इट्स नॉट अ हाई कैलोरी डाइट, है ना, वो वेट लॉस में वेट गेन में नहीं,
बेबी हमेशा वेट गेन करना है उसका, तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, फैट की मात्रा ज़्यादा होनी रैदर देन फाइबर। फाइबर आप तभी दीजिए जब आप कॉन्स्टिपेटेड है बच्चा या फिर ऐसे। तो इस तरह से आपको रेगुलरली बच्चे के अमाउंट और फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ाते रहना है। और ये जो फेज़ होता है अप टू 3 ईयर्स तक का होता है, 3 ईयर्स में अगर आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से फ्रिक्वेंसी के साथ में बढ़ाया और बच्चा पूरी तरह से फीड पे है, तो फिर आपने प्रॉपर वीनिंग करा ली। तो आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी बच्चे का लाइफस्टाइल रूटीन कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उनकी लाइफस्टाइल में? एक हेल्दी बच्चे के लिए तो मैं दोनों मानता हूँ, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक्चुअली में इंडिया जो है डबल शॉर्ट कंट्री एक तरह से बोला जाए तो इस टाइम पे डिजीज़ के, उसमें बच्चों के खास करके, तो यहाँ पे आधा जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और आधा जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड रह रहा है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके बिंज वॉचिंग कर रहे हैं अपना, उस टाइम पे उनको जंक फूड और आपके फ्राइड फ्रूट मिल रहे हैं, आराम से बैठ करके वो खा रहे हैं और उसके साथ में वो मतलब, तो न्यूट्रिशन फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ में आप बैठो, उसका एक प्रॉपर रूटीन सेट करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रूटीन नहीं सेट कर रहे हो तो फिर आपका मतलब बच्चा, मेरा तो ये मानना है कि वो भी अंडर नरिश्ड हैं जो ओबेस है, और जो अंडर नरिश्ड है वो तो है ही सबके चक्कर में, बिकॉज इट इज़ सो कॉमन। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बच्चों में किस तरीके से हम ला सकते हैं, और क्योंकि जंक फूड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कॉमन, तो वो अवॉइड करके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से कैसे? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एक्चुअली घर से ही बनती है। प्रॉब्लम यह है कि अब हमने ना ये देखना छोड़ दिया है। जब हम छोटे थे तो मुझे मालूम है कि बिस्किट्स या फिर ये आपके चिप्स हो गए या फिर जो भी ये सारी चीज़ें होती थी जो जंक फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो जो हमें बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, दैट वाज ए प्राइस कि मैंने कुछ किया है हफ्ते भर या फिर मैंने कुछ अच्छा किया तब जा कर के हमें मिलती थी। अभी एक्चुअली में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को देखने के लिए या फिर मदर को लगता है कि जब उनका बच्चा खा रहा है तो मेरा बच्चा, इट्स ए सोशल कंपटीशन फॉर समथिंग है ना, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स कि आप तुरंत के तुरंत जब वो खा रहा है तो फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं खा सकता, लेकिन आप वो चीज़ उसके हिसाब से नहीं दे रहा। तो वो घर से ही स्टार्ट होता है। पहले तो हमें फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा उसकी नॉर्मल किस चीज़ का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या चीज़ कहाँ पे सबसे बेस्ट मिल रहा है, किस में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किस में हम मतलब प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर बहुत ज़्यादा है और बाकी प्रोटीन और फैट है नहीं, तो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट वो घर से ही कर पाएंगे। मदर को अगर एजुकेट करेंगे तभी वो बेटर वो मतलब दे पाएंगे। आजकल में मदर में समहाउ उन देख करके भी नकार देते हैं इस चीज़ को कि चलो ठीक है एक ही बार तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि आप एक बार दो चाहे दो बार दो, लेकिन वो है गलत तो गलत है। दूसरा चीज़ ये है कि बच्चे को अपने साथ बैठाओ। वो डाइनिंग टेबल कल्चर अब ख़त्म हो रहा है। बेसिकली बच्चे हमेशा स्क्रीन के टाइम में ना तो बेडरूम में रहते हैं, वहीं मदर खिला रही होती, और एक्चुअली में बच्चे को स्पून 1 ईयर से थमाना चालू कर देना चाहिए, और वहाँ मदर 5 ईयर्स तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग कराती भी होती, तो जब उसको सिखाया ही नहीं तो वो आराम से आराम से बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करना उसको है ना, आराम से माँ जब खिलाएगी तो खा लेंगे, जब माँ नहीं खिलाएगी तो नहीं खाएंगे है ना, तो उस तरह से बहुत, तो ओवर पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे इस उसमें, तो इस चीज़ के लिए हमें वो करना पड़ेगा। वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करें, उन सबसे बचाने के लिए सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वायरल इन्फेक्शन की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं आती है, वायरल इन्फेक्शन का कोई मेडिसिन नहीं होता, बस सपोर्टिव मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर फीवर है तो आप पैरासीटामोल दे दो, और अगर रनिंग नोज है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होंगी तो वो दे दो। ये अपना सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस होती हैं, ये अपनी 5 to 7 days का समय लेती हैं, 5 to 7 days में ये अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉट वाटर या फिर लुकवॉर्म वाटर पिए बच्चा, थोड़ा सूप आप पिलाओ, बच्चे को ईज में रखो, और बहुत ज़्यादा अगर वो है तो आप
वायरल इन्फेक्शन कहीं और घर में किसी और दूसरे बच्चे को ना पकड़े, तो उसके लिए आपको जैसे आपका बच्चे को बताना है कि हैंड वॉश करते रहें रेगुलरली, और ये क्या कहते हैं उसके ऊपर स्नीज ना करें, उसके ऊपर कफ ना करें, ये सारी चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिक एटिकेट्स एटिकेट्स इम्पॉर्टेंट। तो कोई ऐसे कॉमन डिजीजेज हैं जिनके अर्ली डायग्नोसिस हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, न्यू बॉर्न फेज में बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीजेज होते हैं जिनको न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग बोलते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमें ही आज के टाइम पे हमारे पास में ऑप्शन है कि हील प्रिक टेस्ट से हम एटलीस्ट 5 to 7 डिजीजेस का हम पता कर सकते हैं। उसमें थायराइड कॉमन है, उसमें आपका आपका एड्रेनल हाइपोप्लेसिया कॉमन है, उसमें आपका कुछ मेटाबॉलिक और डिजीजेस हैं वो बहुत कॉमन है। तो आप हील प्रिक करके एक स्मॉल पॉइंट ऑफ ब्लड से आप करो और वो जाते हैं, तो उसको न्यू बॉर्न मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो आप ये कराएंगे तो उसमें 5 to 7 इम्पॉर्टेंट हेरिडिटरी डिजीजेस शुरू में ही पता चल जाते हैं, जिसको हम रेगुलरली ट्रीट कर ले तो बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों काफ़ी अच्छा डेवलप कर पाता है। तो वो स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी होता है। हियरिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। तो ये सारे स्क्रीन अगर हम अर्ली फेज में करवा लें तो हमें आगे चल करके बेटर बोला। तो ये स्क्रीनिंग सब लोग करवाते ही हैं, इज इट मैंडेटरी या फिर बहुत लोग तो अनदेखा कर देते हैं? अभी तो 80 to 90% लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये एज ए डॉक्टर मेरा काम होता है कि मैं उनको समझाऊं। तो इट्स जस्ट वो कि आज से जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो सेम थिंग विथ निमोनिया वैक्सीन भी थी, लेकिन आज के टाइम पे 50 to 60% लोग जानते हैं कि हाँ वो। तो एज ए डॉक्टर जब हम लोग बता रहे होते हैं उस चीज़ को तो हम एक पैटर्न चेंज कर रहे होते हैं। जब वो हो सकता है 10 ईयर्स के बाद वो 80% घट करके 30% ही रह जाए। तो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए रूटीन चेकअप्स कितने होने चाहिए? बेसिकली डेवलपमेंट के 2 डोमेन होते हैं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट होता है वो, और एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए। बच्चा जब पैदा होता है उससे एवरी 3 मंथ्स पे 3, 6, 9, 12 मंथ्स तक आपको रेगुलरली पीडियाट्रिशियन को आपको विजिट करना चाहिए। वो आपका फिजिकल आपके डेवलपमेंट के लिए बच्चे की वेट लेगा, बच्चे की हाइट लेगा, बच्चे के हेड सरकमफ्रेंस को चेक करेगा, और उस टाइम पे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से वो 4 डोमेन्स में, जिसमें ग्रॉस, फाइन, लैंग्वेज और सोशल, इसमें बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उसने कितने अचीव किए हैं वो देखेगा। तो यूजली 3, 6, 9 और 12 मंथ्स पे तो डेफिनेटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन को चेकअप के लिए बच्चे को ले जाना चाहिए। और अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली सिक बीमार पड़ रहा है तो उसमें पेरेंट्स को क्या अप्रोच लेना चाहिए? फ्रिक्वेंटली अगर बच्चा बीमार पड़ रहा है तो उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह के सिम्टम्स हैं। सबसे कॉमन अगर जैसे इस टाइम पे जब कॉमन होता है कि अगर बच्चे को फ्रिक्वेंटली फ्लू हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है। कई बार मदर ये कंप्लेन कर रही होती है कि अभी 15 डेज पहले ही फीवर आया था, फिर से फीवर आ गया, इसकी इम्यूनिटी तो वीक नहीं है। यूजली इम्यूनिटी एक अपना एक दायरा है उसमें। सेकंड चीज़ होता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। अब स्कूल ग्रोइंग बच्चे हैं, एक बच्चे से एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, फिर वो ठीक हुआ, फिर सेकंड बच्चे से हो गया, तो ये फ्लू आपका एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं बोलेंगे इसको, एयरबॉर्न डिजीज़ बोलेंगे या फिर ऐसे। तो इसमें आपको एटिकेट मेंटेन जैसे बताया पहले भी, उस चीज़ को ध्यान रखना पड़े। तो बच्चे को आप ये सिखाएंगे तो फिर यार ठीक हो। तो जैसे अभी आपने स्कूल जाने वालों का बच्चों का बोला, तो उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? सिर्फ एटिकेट्स ही ठीक है या फिर और भी कोई एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? बहुत सारे तो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, एटिकेट ही अपने में बहुत सफिशेंट इनफ होता है। बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखा नहीं सकते, ये एक चाइल्डहुड होता है, इसमें डेवलपमेंट्स हो गए, उनके अपने दोस्त बनते हैं, उनसे बॉन्डिंग बनती है, ये भी अपना एक आपका सोशल डेवलपमेंट का एक डोमेन है। आप उसको अपने दोस्तों से अलग नहीं कर सकते इसमें, लेकिन एक प्रॉपर एटिकेट रखे बच्चा और अपने न्यूट्रिशन में प्रॉपर सारे बैलेंस डाइट जो हम लोग बोलते थे, एक प्रॉपर मात्रा में घर पे उसको दे मदर उनको,
और ये जंक फूड से नॉट अलाउड, जंक फूड अगर ना रखें तो अपने आप टाइम के साथ में जो ये फ्रिक्वेंटली बच्चा बीमार पड़ रहा है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। आजकल ना पॉपुलर जो मिल्क मिक्सेस हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं उसमें रिफाइंड शुगर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चों के लिए शायद ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये होता है जो रिफाइंड शुगर होता है वो ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत मतलब इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं ब्रेन ग्रोथ के लिए। इंडियन पॉपुलेशन जो है, जो यहाँ की फूड हैबिट है, वो हाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड हैबिट है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आप ज़्यादा से मतलब जो यहाँ पे खाना है वो बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कई बार प्रोटीन और आपका ये फैट जो है वो ऐसे ही अनदेखा हो जाता है। और यूजली आपने नोटिस किया होगा, ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि एक बच्चा अगर आपके फैमिली में ब्रेस्ट मिल्क पे रहा है और एक बच्चा अगर टॉप फीड पे रहा है तो वो बच्चा थोड़ा सा चबी चबी टाइप का ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेंटली वो ऐसे ही सुस्ता पड़ा रहेगा, है ना। वो खेलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं खेलेगा, लेकिन मतलब सम काइंड ऑफ लेजीनेस इज देयर, है ना, उस बच्चे में थोड़ी सी लेजीनेस रहती है। सम हाउ जो ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है बच्चा, वो जब मेरे पास में आते हैं फॉलोअप में तो वो इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, वो एक जगह टिकेंगे नहीं, मतलब उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा वो कर रहा होता है, वो भी देख लें वो भी कर लें, तो वो चीज़। तो शुगर जो होता है ये किसी भी उसमें दो बहुत सारी कंपनियां ये चीज़ को वो करती हैं कि नहीं मेरे में ज़ीरो शुगर है, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में दिया जा रहा है। तो इसमें आप लेकिन जब भी शुगर मिलता है तो वो एक तरह से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को काफ़ी एम्पर करता है, इसीलिए 6 मंथ के बाद मना भी किया जाता है कि आप शुगर को अपने खाने में ऐड ना करें उस टाइम। और ऐसे रिफाइंड शुगर को भी, और जो जिनमें इंग्रेडिएंट मेन रिफाइंड कोई भी, ये नहीं कि शुगर का रिप्लेसमेंट आपका जैगरी हो गया या फिर उसका रिप्लेसमेंट मिश्री हो गया, है ना। एक बस डेट सिरप आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका वो अलग है, लेकिन बाकी सब सेम ही है, सेम कार्बोहाइड्रेट। तो डू यू थिंक कि रिफाइंड शुगर का एक्सेसिव इनटेक से बच्चों में ओबेसिटी या डायबिटीज इन द लॉन्ग रन हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रिसर्च पेपर्स भी हैं इस चीज़ के, इसके रिसर्च पेपर हैं जिनको मतलब इसमें एक ऐसा रिसर्च पेपर है जिसमें ये शो हुआ है कि जो बच्चे टॉप फीडिंग पे रहे हैं, जो बच्चे आपके इस तरह के सीरियल मतलब डाइट पे रहे हैं तो उनको अप टू एक सीरीज ऑफ रिसर्च है इसमें, जिसमें रेगुलरली उनको देखा गया है अप टू 18 to 20 ईयर्स तक, और उसमें ये देखा गया कि उनमें चांसेस ऑफ डायबिटीज़, ऐसे अभी भी मॉलिकुलर टेस्ट हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि आपके फैमिली में किसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का, तो उनमें जब देखा गया है तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ मोर है, ज़्यादा है एक्चुअली, रेदर देन जो ब्रेस्ट मिल्क पे रहें या फिर ऐसे। तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी अच्छे खासे हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया मिल्क मिक्सेस का। अनदर थिंग दैट इज वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट इज बेबी सीरियल फूड, वो कितना हेल्दी रहता है और वो कब देना स्टार्ट करना चाहिए? 6 मंथ के बाद आप बेबी सीरियल फूड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ एक इम्पॉर्टेंट वीनिंग पीरियड होता है, और इस वीनिंग पीरियड में सबसे कॉमन चीज़ ये होता है कि आप घर पे कुछ बना करके दें जो भी, लेकिन रेगुलरली क्या हो पाता है कि मदर जो है प्रॉपर कंपोजिशन में उस सीरियल को नहीं बना पाती है बहुत सारे हद तक, दो वो काफ़ी जगहों में मतलब नॉर्मल कई बार मदर कोशिश तो करती हैं बट, लेकिन ये अपने में एक बहुत वास्ट एक रिसर्च का एक ऑप्शन है, लेकिन किस मात्रा में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए, किस मात्रा में आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए या फिर, वो मदर उस पर वो नहीं कर पाती है। तो ये एक अच्छा वो है कि आप बेबी फूड के लिए वो करें, लेकिन उसको उसकी आदत ना बनने दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िंदगी भर खाना है बच्चे को वो चीज़ का ध्यान रखें, और ज़िंदगी भर हर किसी को चावल दाल रोटी सब्जी ही खाना है, तो ये जो वीनिंग पीरियड है इसमें आपने जो खाना स्टार्ट किया वही वो ज़िंदगी भर खाएगा, और ये चीज़ के लिए अपने अच्छे वो भी हैं,
अगर आपको बचपन में दही नहीं खिलाया गया तो आपको बाद में जाके दही पसंद नहीं आएगी। ये टेस्ट डेवलप, हाँ ये फैक्ट है, ये टेस्ट डेवलप होने पे होता है। अगर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे कई करेले खा रहे होते हैं वो बाद में भी खा रहे होते हैं, जो नहीं खा रहे होते वो नहीं खा रहे होते। ये टेस्ट डेवलपमेंट का बहुत बड़ा वो रोल है। 6-7 मंथ से स्टार्ट हो, एक साथ में आप नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको देते रहना है। और बेबी सीरियल फूड वो भी हेल्दी ही रहता है somehow, कुछ एक्सटेंट तक हेल्दी है। तो जब अगर हम बेबी सीरियल फूड कोई खरीद रहे हैं तो वो खरीदते टाइम कौन से इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशन लेवल में क्या स्पेसिफिक चीजें कंसिडर करनी चाहिए? लेस इन कार्बोहाइड्रेट, मोर इन प्रोटीन एंड मोर इन फैट। पाम ऑयल नहीं होना चाहिए उसमें और बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। आर्टिफिशियल दोनों फ्लेवर नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम चीज सारी मेडिसिन और सारे बच्चों के थिंग्स के साथ होता है। पेरेंट्स नो हाउ टू मेक द होममेड सीरियल फूड फॉर बेबीज तो वो बेटर रहते हैं बाहर के सीरियल फूड से। जैसे मैंने बताया होममेड सीरियल आप बना सकते हो लेकिन उसके कंपोजिशंस प्रॉपर आप नहीं वो कर पाओगे, सबका अपना अपना वो होता है। अब सपोज कर लो पेरेंट ए है ना, वो ओवर एंथुजियास्टिक मॉम है, मुझे देना है तो मैंने आटा 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम मैंने और 10 ग्राम दाल ले लिया क्योंकि दाल वो पता नहीं पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, और मैंने कुछ मैदा मिला दिया या फिर ऐसे करके नॉर्मल वो अपने दिमाग से हो। बाकी जितने भी सीरियल्स हैं या फिर ऐसे उसमें प्रॉपर कंपोजिशन में आप देते हो, अगर उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं तो उसकी लायबिलिटी बनती है, वो आपकी वैल्यू लिखा रहता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, कितना आपका फैट है या फिर ऐसे, तो फार मोर बेटर अच्छा वो होता है। लेकिन मदर का उसके ऊपर उनका वो नहीं होना चाहिए कि आप उस पर रिलाई करने लगो, आप अपने तरफ से भी बच्चे को, इट्स जस्ट अ वीनिंग फेज। 7-8 मंथ्स के बाद में वो रेगुलरली आपको जो चाहिए वो भी खा सकता है, वो मिक्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन पांडे, आपने हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर करा और बहुत क्लैरिटी मिली होगी पेरेंट्स को और न्यू पेरेंट्स को भी कि उनको अपने बच्चों को कैसे फीड करना चाहिए। थैंक यू मैम।